हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद सईद, आपका स्वागत करता हूं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस, आज मैं हूं दिल्ली में और आज आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली की एक खूबसूरत इमारत जिसको याद किया जाता है शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए। आज मैं गाइस जो है इंडिया गेट पर हूं और आज आपको दिखाने वाला हूं इंडिया गेट। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का और चलिए देखते हैं कितनी। तो गाइस, कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा है और यहाँ पर लोग बाग पिकनिक के तौर पर आते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है और गाइस अभी मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ की खूबसूरत इमारत जिसको कहा जाता है इंदिरा गेट। तो गाइस, जैसा कि मैं बता दूँ आपको, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा इंडिया गेट का एक एरिया है और यहाँ पर गाइस शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ये शहीदों की वो स्मारक जगह है जहाँ पर आज़ादी के टाइम जो शहीदों का जो शहीद हुए थे उनकी याद में ये बनाया गया था गाइस ब्रिटिश के टाइम, जो ये ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी जब पता नहीं कई हज़ार सैनिक मारे गए थे, मतलब कई हज़ार सैनिक उनके शहीद हुए थे, उसकी क्या कहते हैं याद में ये बनाया गया था। तो गाइस अभी जा रहे हैं अंडरपास से होकर और क्या कहते हैं इंडिया गेट की तरफ। ये अंडरपास है जो कि रोड के नीचे नीचे है गाइस, और इससे क्रॉस करने के बाद पहुँचते हैं इंडिया गेट की तरफ। आपको दिखा दे देगा इस सिक्योरिटी चेकिंग वैकिंग के साथ यहाँ पर जो है। तो भाई साहब, यहाँ जो है ये अंडर पास है, ये डायरेक्ट निकलेगा इंडिया गेट की तरफ, ये रोड के नीचे है। गाइस, इस इंडिया गेट पर जो नाम गुदे हुए हैं ये उस टाइम के नाम गुदे हुए हैं जो ब्रिटिश टाइम में जो फौजी थे, शहीद हुए थे, उनके छोटे छोटे नाम इस पर गुदे हुए हैं। और आप देख सकते हैं शहीद हुए थे कई हज़ार फौजी थे जो ब्रिटिश टाइम में उनके शहीद हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर उनके नाम गुदे हुए हैं जो कि दिख रहे हैं, शायद कैमरे में नहीं दिख रहे हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी बड़ी ये इमारत है और इसकी हाइट भी काफ़ी है। ये पार्क कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है इसका पार्क का। तो गाइस, ये भाई साहब ये जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भीड़ कितनी है, रास्ता कितना है। क्योंकि गाइस यहाँ पर जो है हर वक्त चहल पहल रहती है, आप यहाँ पर किसी टाइम भी आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप रात में भी आ सकते हैं, सुबह में भी आ सकते हैं, तो किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर आप किसी टाइम भी आ सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो मूर्ति लगी है, पहले यहाँ पर जब ये बनाया गया था तो यहाँ पर उस टाइम के जो ब्रिटिश सरकार के जो पता नहीं ध्यान नहीं भरा जो भी है वो उनकी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर लगी हुई है दूसरी मूर्ति। तो गाइस, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए यार। और फिर मिलते हैं आपसे एक नए से ब्लॉग में।